के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी टेक्स्ट में जो है ऐड की जाती है या डाली जाती है किसी बाहर के सोर्स से, अदर देन द ऑथर, जो राइटर है, जो लिखारी है, जिसने वो बुक लिखी है, लेट्स से जिसने वो नॉवल लिखा है, जिसने वो प्ले लिखा है, जिसने वो पोएम लिखी है, जिसने वो आर्टिकल लिखा है, जिसने वो ऐसे लिखा है, कुड बी एनीथिंग, और अगर वो किसी एडिटर के पास गया है या किसी ऐसे इंसान के पास गया है जिसने उसे प्रूफ रीड करना है, जिसने उसे रीचेक करना है, जिसने उसे एडिट करना है, तो वो जो बंदा होगा वो एक आउटसाइड सोर्स होगा। तो जब वो किसी के उस कॉन्टेंट को पढ़ के उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होगा या अपना कोई पॉइंट दे रहा होगा, कोई गलती जो है उसमें से पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो वो अपने कमेंट उस टेक्स्ट में ऐड करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेगा। ये यूज होती है इंडिकेटिंग एंड एरर, किसी गलती को इंडिकेट करने के लिए। लेट्स से आप किसी टेक्स्ट को प्रूफ रीड कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, मैनी शीप्स लेफ्ट द पोर्ट, यहां पर थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो यहां पर जो आउटसाइड सोर्स है या जो एडिटर है उसने करेक्शन में शिप्स लिख दिया कि जो शिप्स हैं, शीप इज नॉट द राइट वर्ड, शिप इज द राइट वर्ड, मैनी शिप्स लेफ्ट द पोर्ट, के बहुत सारी जो कश्तियां हैं वो पोर्ट से चली गई। तो उसने उस गलती को इंडिकेट करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज की। टू एक्सप्लेन और क्लैरिफाई, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन या क्लैरिफाई करने के लिए जब हम उस क्लैरिफिकेशन को लिखते हैं तब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। She is a great friend of us. ठीक है, she is a great friend of us makes sense, but she कौन किसकी exactly बात हो रही है? इस चीज को clarify करने के लिए, मुझे explain करने के लिए, writer ने, editor ने अपने text में एक square bracket add करके उसका नाम लिख दिया, her name is Martha, कि Martha is a great friend of us. Translation, translation में किस तरह से, अभी हम देखते हैं। If a quotation includes a foreign word or phrase, हम उर्दू पढ़ते हैं, हो सकता है कि सामने उर्दू के बीच में कोई फारसी की quotation आ जाती है, हमें फारसी का मतलब नहीं आता। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन sometimes इंग्लिश में कोई वर्ड या कोई quotation लिखी हुई है या किसी की कोई बात लिखी हुई है और वो लैटिन में, वो फ्रेंच में, वो जर्मन में या किसी और जुबान में लिखी हुई है जिसे ना हम पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, तो वहां पर जब हम उस फॉरेन लैंग्वेज के उस वर्ड या फ्रेज की ट्रांसलेशन लिखेंगे ना, तो उसको भी हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब यहां पे देख लें, आई सेल्डम स्पोक इन फ्रेंच क्लास, व्हेन आई डिड आई यूजुअली सेड, उसने कहा कि मैं फ्रेंच क्लास में शाज़ा नाज़ा की बात कर, मैंने बात की है या बात करता था, और जब भी मैंने की तो मैंने सिर्फ एक ही बात की। अब ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरा एक सेंटेंस या फ्रेज है, ये फ्रेंच में है, इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब समझाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया गया है आई डोंट नो, कि इस फ्रेंच फ्रेज का मतलब है कि मैं नहीं जानता। उसको इंग्लिश में लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ और हमें समझ में आ गया है कि ये चीज इसकी ट्रांसलेशन है। अच्छा, अब ये थी टोटल इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के हवाले से, जो कि मुझे यकीन है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल गई होगी कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स को कहाँ पे यूज करना चाहिए, और ये भी कि ये किस तरह से राउंड ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस से डिफरेंट